अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको फ्रेंच फ्राइज बनाने का तरीका बताएंगे। मैंने सबसे पहले आलूओं को धोया है और धो के फिर इस तरह से अच्छे तरीके से काट लिए हैं। और अब मैं इन्हें पानी में बॉयल करूँगी, 50% इन्हें कुक करूँगी और उसके बाद हम ऑयल में फ्राई करेंगे। हम इसमें वो घी डाला है, वो गर्म हो रहा है, तो अब हम इसके अंदर फ्रेंच फ्राइज डालेंगे जो कि बहुत ही अच्छी चिप्स बनती है और कम टाइम में बनती है और बच्चों के लिए भी बंदा आसानी से बना सकता है। जैसे अक्सर अवकात बच्चे चिप्स को बहुत पसंद करते हैं और बाकी चीज़ें इतने शौक से नहीं खाते जितनी चिप्स पसंद करते हैं। मेरे बच्चे भी चिप्स बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए मैं उन्हें कम टाइम में जल्दी जल्दी ये बना के खिला देती हूँ और बहुत शौक से खाते हैं और ये बहुत ही इजीली हो जाता है और बहुत ही कम टाइम में हो जाता है। अब इसमें हम फ्राई करेंगे। अब चिप्स फ्राई हो रही है और मैंने तकरीबन इसे 3-4 मिनट तक फ्राई करके अब इसकी साइड पलटी है और ये तकरीबन अभी इसमें और अभी ये 2 मिनट तक इसे और फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर अच्छा चेंज हो जाएगा और फिर इसको आपको इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे जब डिश आउट करेंगे। फाइनली हमारी KFC स्टाइल फ्रेंच फ्राइज तैयार हो गई है। देखिए कितनी दिखने में भी कितनी अच्छी लग रही है और खाने में भी बहुत मज़े की लगती है। आप केचप के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं और क्रिस्पी बनी है, अंदर से बिल्कुल नरम भी है और क्रिस्पी भी है। ये देखें कितनी मज़े की बनी है, बहुत ही अच्छी लुक दे रही है। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द आ सके।